फेमस परिवारी सबके लिए तो आराधना के लिए आप सब लोगों को निमंत्रण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज का कार्यक्रम इसी रीति से रहता है। पहले से हम प्रार्थना से शुरू करेंगे, बाद में एक गाना गाएंगे। गाना गाने के बाद आराधना करने के लिए हम एक संदेश सुनेंगे। संदेश के बाद आप लोगों के लिए, हम सबके लिए 10 मिनट टाइम दिया जाएगा। उस समय में आप लोग जहां जहां है प्रभु को आप धन्यवाद आराधना स्तुति कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रभु को आराधना करने के बाद हम लोग एक गाना सुनाएंगे सुनेंगे। गाने के बाद हम मेन में से सुनेंगे। आज एक मेन मैसेज रहता है। मेन मैसेज के बाद हम लोग प्रार्थना करके मेज में हम भाग लेंगे। इसलिए अभी जैसा हम लोग कर रहे हैं, मेज तैयार रखे रख दीजिए। हम इधर प्रार्थना करके रोटी तोड़ के द्राक्षरस में भाग लेंगे। जब इधर हम प्रार्थना करें पढ़ने का प्रार्थना से हम मेज शुरू करेंगे, तब वही समय में आप लोग आपका स्थान में घरों में मेज में हम भाग ले सकते हैं। प्रार्थना मेज के बाद हम मेज के लिए प्रार्थना रहता है। प्रार्थना के बाद हम गाना गाएंगे। गाना गाने के टाइम में जो प्रभु के लिए जो भेंट चढ़ाना है, ऑफरिंग्स लाना है, हम सच्चा दिल से पूरा दिल से प्रभु के लिए हम अर्पण लाएंगे। जब आप लोग जो प्रभु के लिए अर्पण इकट्ठा करते हैं, ऑफरिंग्स जो प्रभु को बदले में उस वर्ष बागलू में जब हम लोग इकट्ठा होंगे, तब आके हम लोग उधर जमा कर सकता है। बाद में हम अनाउंसमेंट्स सुन के लास्ट प्रेयर बेनेडिक्शन से ये कार्यक्रम कंप्लीट होता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, हम आपका भलाई के लिए, हर एक आशीष के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा जीवन में जो उद्धार दे दिया, इसके लिए प्रभु आप स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस दुनिया में आया है प्रभु। क्रूस पर बलिदान हुआ है प्रभु, आप बहुमूल्य लहू हमारे लिए प्रभु दे दिया, बहाया लहू के द्वारा हमको प्रभु, हम लोगों को पापों का क्षमा दिया है। इसलिए हम स्तुति करते हैं प्रभु। उतना ही नहीं, आज हम लोग है आपका कृपा के, आपका अनुग्रह के कारण है। इसलिए प्रभु ये सुबह समय में
आपको उपस्थिति में आने के लिए हमको सहायता किया है, इसलिए इसलिए धन्यवाद करते हैं। बहुत कठिन परिस्थिति में पूरा दुनिया गुजर रहा है, लेकिन प्रभु हमको लिए अच्छा चरवाहा बनकर हमको पालन किया, पोषण किया, संभाला। इतना दूर प्रभु, इतना दूर अभी तक हमको चलाया, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरा सप्ताह भर जो हमको संभाला है, जो भलाई काम किया है प्रभु, जो आशीष दिया हमारे ऊपर, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। और एक बार के कार्यक्रम के लिए आपका उपस्थिति में आते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। जो प्रभु ऑनलाइन में अभी तक जो ज्वाइन हो गया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और ज्वाइन होने वाला है उसके लिए भी प्रभु सहायता कीजिए। जहाँ भी लोग बैठने से भी आपको उपस्थिति उधर रखे, उपस्थिति प्रभु वो आपका प्रसन्नता उसके ऊपर दे दीजिए, जो आपका उपस्थिति अनुभव करने के लिए सहायता दीजिए प्रभु। जो हम प्रार्थना करने के समय में, गाना गाने के समय में, प्रभु आराधना का संदेश सुनने के समय में, व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपको आराधना करने को, और एक प्रभु मेज में भाग लेने के पहले भी हम लोग जांच के परख के योग्यता रीति से इसमें भाग लेने के लिए प्रभु हमको सहायता कीजिए। मेन मैसेज में भी हमको सहायता कीजिए प्रभु, और बाद में रोटी में, प्रभु के रस में, आपका मेज में भाग लेने के लिए भी हमको योग्यता रीति से भाग लेने के लिए हमको प्रिपेयर कर दीजिए प्रभु। और जो हमारा सब बेतलहम और सब वर्षी तो आराधनालय का सब परिवारों को, व्यक्तिगत रूप से हर एक आदमी को, भाई भाई के बहनों को, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसको याद कीजिए, उसको मदद कीजिए, और जो आपका उपस्थिति में रहने के लिए, आपका उपस्थिति में जो मिलता है स्वर्गीय आशीष पाने के लिए हमको सहायता मांगते हुए, ये कार्यक्रम को आदि से अंत तक आप रह कर प्रभु चलाने के लिए आपको सहायता मांगते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में प्रार्थना करते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आराधना में से सुनने के पहले एक गाना सुनेंगे। ईशु तेरी हो, जय जयकार। ईशु तेरी हो, जय जयकार। तू है संसार का पालनहार, तू है संसार का पालनहार, और सृष्टि का सृजनहार, सारे जगत का तारणहार, और सृष्टि का सृजनहार, सारे जगत का तारणहार। हम करते तेरी जय जयकार, हम करते तेरी जय जयकार। ईशु तेरी हो, जय जगत में मनुष्य रूप लेकर प्रायश्चित बना बलि वो कर। जन्मा जगत में मनुष्य रूप लेकर प्रायश्चित बना बलि वो कर, पापी मनुष्य को बचाने को प्राण दिया।
आइए हम आराधना के लिए आराधना करने के पहले आराधना के लिए हम संदेश सुनेंगे। भजन संहिता तीसरा अध्याय 1 से 5 तक मैं पढ़ रहा हूं। भजन संहिता तीसरा भजन साम्स 3 1 से 5 तक मैं पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरा विरुद्ध उठते हैं बहुत है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तुम मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और एक बार हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन हमारे सामने लाया है इसके लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन से हम उसे बात कीजिए और मुझको भी प्रभु आपका उसके पीछे रखे, प्रभु लहू के पीछे रखे, प्रभु वचन ध्यान करने के लिए सहायता कीजिए, जिनके अनुसार आपको आराधना करने के लिए हमको सहायता कीजिए। हम आपसे मदद मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रियो, हम प्रभु को आराधना करने के लिए आया है। जब आराधना के लिए संदेश के लिए हम देखने से ये भजन संहिता तीसरा भजन तीसरा अध्याय जो लिखा है दाऊद से लिखा हुआ है, दाऊद राजा से लिखा हुआ गीत है। ये कब लिखा है, कब लिखा है, ऊपर जो उसमें गीत के ऊपर जो लिखा है दाऊद का भजन, जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग जाता था, कब लिखा था, जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग जाता था। एक बार सोच लीजिए, राजा था दाऊद, वो समय में सिंहासन पर था, राज्यकर्ता था, लेकिन ऐसा परिस्थिति आ गया उसका खुद बेटा ने, अबशालोम ने किसी रीति से वो राज पर अधिकार ले लिया। बोले से जब सिंहासन पर बैठ गया बस अबशालोम, ऐसी परिस्थिति में वो दाऊद ने ये राज छोड़कर कुछ लोगों को लेके जंगल में जा रहा था। इतना कठिन परिस्थिति, एक बार वो सिंहासन पर था, राजा ने राज करता था दाऊद ने,
लेकिन ऐसा कठिन परिस्थिति आ गया, दूसरों से नहीं है, लो राज्य में जो लोग हैं उससे नहीं है, किससे आ गया उसका प्रॉब्लम, उसका समस्या आ गया, उसका बेटा पुत्र अबशालोम से आ गया, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया उसका जीवन में, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया, वो राज्य छोड़ के भागना पड़ा। कभी सोचा हम लोग भागना पड़ा, उसको मन भावना, उसका दुख मन में, दुख हृदय में, दुख कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। लेकिन ये घटना हम लोग देख सकता है दूसरा सामियल 15 से, 15 16 17 18 अध्याय में हम देख सकता है, दूसरा सामियल 15 अध्याय 16 17 18 अध्याय में रहता है, लेकिन हम पूरा पूरा नहीं देख रहा है। इधर उसका पोजीशन कैसा था, दाऊद का पोजीशन देख लीजिए, वो दूसरा सामियल 15 अध्याय 13 वचन में लिखा है, तब किसी ने दाऊद के पास आकर जाकर यह समाचार दिया, इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हमें से कोई भी अबशालोम से ना बचेगा, इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आघेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। ऐसा परिस्थिति आ गया दाऊद का, उन लोग दाऊद ने खुद, उसके पास बहुत सा लोग था, लेकिन उससे बोल रहे हैं ये हानि कर सकता है अबशालोम, हमको कर सकता है, मेरा वजह से हम लोग पूरा नुकसान पहुंच सकता है और पूरा राज्य में भी नुकसान पहुंच सकता है, वो होना मुझको इच्छा नहीं है, इसलिए आइए हम भाग जाएंगे। कैसा भाग गया वो तीसरा 30 वचन में, 15 सेकंड दूसरा सामियल 15:30 में बोलने से, तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढांक के नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढांक के रोते हुए चढ़ गए। वो खुद रोते रोते, अरे प्रॉपर कपड़ा भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, वो सिर पर कपड़ा डाल के नंगे पांव रोते हुए चढ़ने लगा। ऐसा परिस्थिति आ गया। हम सोच सकते हैं ऐसा पुत्र भी ऐसा बेटा भी दुनिया में रह सकता है। अबशालोम क्या किया, अबशालोम के पिताजी को उधर से भगा दिया, कहां से, राज्य से भगा दिया। तब वो रोते रोते दाऊद जा रहा है, कहां जा रहा है, जंगल में जा रहा है, देश छोड़ के, अच्छा अच्छा पैलेस भवन छोड़ के जंगल में जा रहा है। ऐसा कोई है माता पिताजी को जो भगा रहे घर से, गांव से भगा रहे, भेज रहा है, कारण भी कितना भी हो सकता है। लेकिन जब दाऊद जब जा रहे, तब दाऊद जब जा रहे ये गाना गा रहा है,
देखिए इतना क्लिष्ट परिस्थिति में भी दाऊद ने प्रभु को आराधना कर रहा है, प्रभु को भेंट चढ़ा रहा है, स्तुति कर रहा है। क्या बोल रहा है तीसरा अध्याय 30 वचन में, जो भजन संहिता 3:3 में, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बोलता है वो, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, मेरी ढाल है, इसलिए मैं स्तुति करता हूं। दूसरा विषय क्या बोलता है, तू मेरी महिमा है। तीसरा है, और मेरे मस्तक का ऊंचे करने वाला है। 3 पॉइंट हम लोग ध्यान कर सकता है आज, जो प्रभु के लिए हम आराधना कर सकता है। इष्ट परिस्थिति में, संकट परिस्थिति में, जब दाऊद जा रहे, दाऊद बोलता है प्रभु मैं स्तुति धन्यवाद करता हूं, इसलिए मतलब तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तुम आप ढाल है मेरे चारों ओर। दूसरी है, प्रभु तू मेरी महिमा है। तीसरा बोलता है, प्रभु मेरे मस्तक ऊंचा करने वाला आप ही है, प्रभु मेरे सिर ऊंचा करने वाला। कितना विश्वास, कैसा वो आराधना कर रहा है, कितना आराधना कर। इसलिए हम भी, हम दाऊद के साथ मिलके हम भी स्तुति करना चाहिए। वो दाऊद बोलता है प्रभु मेरा ढाल आप ही है, मेरा पहाड़ आप ही है, मेरा पहाड़ आप ही है। लेकिन हम लोगों का पहाड़ कैसा आ गया, उतना जो जो हम लोग बोलते हैं प्रभु मेरा ढाल है, प्रभु मेरा पहारा है, जो हम लोग बोलते हैं वो पद का मीनिंग उतना सुलभ नहीं है, सुलभ नहीं है। जो हम लोग बोले से शील्ड, जो ढाल, जो पहारा बोलने से, जो कैसे हम लोग वो उसको वो वचन को हम समझ सकता है, समझ सकता है। जो हम लोग जो यफिसियों का पत्री 6 अध्याय 16 वचन में तो लिखा है, 16 जो जो ये ढाल, ये यफिसियों का पत्री 4:6 का 16 में, 6:16 में जो लिखा है, यफिसियों का पत्री 6 अध्याय का 16 वचन में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उसे दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये ढाल पर क्या आता है, दुष्ट के सब जलते हुए तीरों, तीरों उसके ऊपर आता है, आता है। जो शिक्षा, जो घायल, जो व्यक्ति की मिलना है वो शील्ड है, जो ढाल उसके ऊपर ले लेता है, उसके ऊपर लेके जो आदमी ढाल के अंदर है उसको बचाता है, बचाता है। जो बचाता है वो मामूली तीर नहीं है, वो तीर कैसा है, वो जिसमें तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, जल दुष्ट के सब आ गया, आके वो क्या है, जलते हुए तीरों, वो शील्ड पर, वो ढाल पर पड़ता है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ढाल बन के, हमारा पर जो शिक्षा आ रहा है, जो तीर आ रहा है उसके ऊपर ले लिया। इसलिए यशायाह पुस्तक 53:5 वचन में, यशायाह 53:5,
53:5 तिरपन अध्याय यशायाह पुस्तक तिरपन अध्याय पांचवा वचन, परंतु हम हमारी हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। सो हमको वो ढाल बन गया, वो ढाल बन के क्या हुआ, हमारा अपराधों के कारण वो घायल हुआ है यीशु मसीह, और हमारे अधर्म के कामों के लिए वो कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोगों चंगे हो गया। कोड़े खाने से, इसलिए हमारे लिए वो ढाल बन के कुचला गया, प्रभु ने हमारे से ढाल बन के वो घायल किया, ताड़ना पड़ी। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु उसके लिए, अब ढाल बन के मेरा पूरा उसके लिए घायल हुआ है, शिक्षा आपका आपके ऊपर ले लिया है, मुझको बचाया, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम देखने से और वैसा ये भजन संहिता 18 अध्याय का 35 वचन में, भजन संहिता 18:35 में, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, और तेरे नम्रता ने महत्व दिया है। इस मसीह ने, परमेश्वर ने हमके लिए ढाल बना, वो बोलता है तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। कौन सा ढाल? बचाव की ढाल दिया है, जो बचाव की ढाल बनने के लिए इस मसीह ने स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस दुनिया में आया है, क्रूस पर लहू बहाया, वो लहू के द्वारा हमारा जीवन को साफ किया है, पापों की क्षमा किया है, उद्धार दिया है। इसलिए हम लोग स्तुति करना है, प्रभु मुझको अपने बचाव की ढाल दी है और अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाला है, इसलिए स्तुति धन्यवाद करता हूँ, और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। और कोई भजन संहिता 28:7 में जो लिखा है, 28:7 में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरा मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। गीत का बोलता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, सहायता मिली है, और क्या किया, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा, गीत गाकर धन्यवाद करूंगा। इसलिए हम याद करके, प्रभु हम लोगों के लिए ढाल बन गया, पहारा बन गया, इस क्लिष्ट परिस्थिति में, महामारी के समय में हमके लिए, हमारे लिए वो ढाल बन के ढल के हमको बचाया है और हमको पापों से बचाया है, पापों से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए शिक्षा आप उसका ऊपर ले लिया, वो शिक्षा ऊपर उसके ऊपर ले लिया, हमको हमको छुड़ाया, इसलिए प्रभु का हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। तो दूसरा विषय ये क्या है, भजन संहिता 30:3 में दूसरा पाठ हम देखने से, तू मेरी महिमा है, तू मेरी महिमा है, दाऊद बोलता है, प्रभु तू मेरी महिमा है। आज हम मैं इस स्थिति में है, इट इज आपका केवल आपका अनुग्रह से हूँ, पहला कुरिन्थी 15:10 में
तो लिखा है पहला कुरंती 15:10 में, जो परंतु जो मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो कुछ जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। इसलिए इधर हम देख सकते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। दावत बोलता है आपका महिमा के लिए हम स्तुति धन्यवाद किया है। क्या है उसका महिमा? वो पहला सामियल दूसरा अध्याय 8 में, पहला सामियल दूसरा अध्याय 2:8 में, फर्स्ट सामियल चैप्टर 2:8, फर्स्ट सामियल चैप्टर 2:8, यह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्या कि इस प्रभु परमेश्वर की महिमा, वो दाऊद बोलता है। इधर हम लोग इधर सामुएल का पुस्तक में अन्ना जो प्रार्थना करते हैं, अन्ना प्रार्थना क्या बोलता है? वो कंगाल को वो धूलि में से उठाता है और दरिद्र को घुरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनके अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। महिमायुक्त प्रभु, मैं भी ऐसी था एक बार, 8 में था, लेकिन अब हमको राजा बनाया। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। इसलिए एफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय 6 में हम लोग एफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय 6:6, और मसीहा यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सो हम भी एक बार अपराधों में से पापों से कारण हम मरे हुए थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कहाँ बैठाया? प्रभु के साथ उसके सिंहासन के ऊपर। इसलिए प्रभु आपको महिमा को मैं स्तुति धन्यवाद करते हैं। आखिरी में वो बोलता है, मेरा सिर उठाने वाला आप ही है प्रभु। जो तीसरा है हम लोग देखने से, तीसरा भजन संहिता 3:3 में लिखता है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मेरा मस्तक ऊंचा, मेरा सिर ऊंचा करने वाला है। मेरा सिर क्यों डाउन हो गया? हम लोग देखने से नीति वचन 14:34 नीति वचन 14:34 में 1434 में क्या हुआ है? जाति की बढ़ती धर्मी ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। इसलिए ऐसा परिस्थिति आ गया, ऐसा परिस्थिति पाप के कारण। लेकिन हमारा पाप के कारण जब हमारा सिर नीचे हो गया, प्रभु ने क्या किया? यूहन्ना सुसमाचार 19:30 1930 में जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुककर प्राण त्याग दे दिया। सिर झुककर प्राण त्याग दे दिया हमारा सिर ऊंचा करने के लिए। हमारा सिर नीचे हो गया,
पाप के कारण और किसी का बहुत का कारण, लेकिन हमारा सिर ऊंचा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आकर क्रूस पर उसका सिर झुककर प्राण त्याग किया है। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। ये सुबह समय में तीन विषय के ऊपर हम लोग याद मरण करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु हमारा ढाल बन गया, हमारा ढाल बन के हमारे के बचाने के लिए जो क्रोध आया था उसके ऊपर ले लिया, हमको बचाया। दूसरा ये है प्रभु उसका महिमा के लिए हमको प्रभु के उपस्थित में सिंहासन पर बैठा खाने के लिए क्या किया, उस पर बलिदान हुआ है। और हम पहला सामियल दूसरा अध्याय आठवां वचन में देखा है, और तीसरा वचन क्या है, मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर। मेरा मस्तक ऊंचा करने के लिए आपका सिर क्रूस पर मुझके लिए झुकना पड़ा। आप क्रूस पर सिर झुके, प्राण देकर त्याग कर मेरा सिर को आप ऊंचा किया है प्रभु, इसलिए मैं स्तुति धन्यवाद करते हैं। सब समय में ये तीन विषय हमारा सामने रख के हमारा यीशु मसीह को हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। अभी आप लोगों के लिए वो 10 मिनट टाइम दिया जाता है, जैसा वचन सुना है वचन के अनुसार प्रभु को व्यक्तिगत रूप से हम लोग आराधना करेंगे।
संदेश सुनने के पहले अब हम एक गीत गाएंगे। प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। सुंदर है प्रभु का घराना, चारों दिशाओं से बुलाया है, चारों दिशाओं से बुलाया है। देखते हैं बन है नाता है लहू का, देखते बन है नाता है लहू का, चाहे हजारों भाषा से है, हजारों भाषा से है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है। हमारे पास हमारे सामने मेज रखा है, मेज में भाग लेने के पहले हम वचन पढ़ेंगे। वचन ध्यान करके हम मेज में भाग लेंगे। अभी तक आप लोग मेज नहीं तैयार रखने से ये तैयार करके रख दीजिए, मेज के संदेश के बाद, ये संदेश के बाद जब हम लोग इधर इसमें भाग लेते हैं तोड़ के समय में आप लोग इसमें भाग ले सकते हैं। अभी संदेश के लिए योहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय 1 से 5 तक मैं पढ़ रहा हूं। योहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय 1 से 5 तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। प्रार्थना करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु,
आपको उपस्थिति में आने के लिए हमको सहायता किया है। प्रभु आपका सनातन प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमको डाल बन के, सहारा बन के प्रभु हमारा जीवन में जो हम पाप में गुजर रहा था, लेकिन पाप से बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए प्रभु डाल बन के इस दुनिया में आया है प्रभु। इसलिए जो डाल बन के आया है और पूरा आपके ऊपर ले लिया, जो हमारा पापों के लिए घायल हुआ है, हमके लिए प्रभु, हमको बचाने के लिए जो हमारे ऊपर जो शिक्षा ताड़ना प्रभु आता था, पूरा आपके ऊपर आप ले लिया। इसीलिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका महिमा के लिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। और एक बार प्रभु हमारा सिर ऊंचा रखने के लिए, हमारा सिर उठाने के लिए प्रभु आपका सिर क्रूस के ऊपर झुककर प्राण अर्पण दिया है प्रभु, इसलिए स्तुति धन्यवाद करते हैं। हम इस दुनिया में भी नहीं है, जब स्वर्गीय स्थानों में आपके सामने जब खड़ा हो जाते हैं हम लोग, तभी हमारा सिर ऊंचा रख के हम लोग रहने के लिए प्रभु हमारा सिर ऊंचा करने वाले प्रभु आपका, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। ऐसी क्लिष्ट परिस्थिति में भी दाऊद ने आपको आराधना कर सका, हम भी प्रभु इस क्लिष्ट परिस्थिति में भी आपको आराधना करने के लिए हमको सहायता कर रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अभी तक जो सहायता किया है व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। हमारे सामने मेज रखा है, मेज में भाग लेने के लिए प्रभु, भाग लेने के पहले वचन देखिए, क्योंकि तरह तरह इससे हम मेज में भाग लेने के लिए सहायता कीजिए, उसको भी सहायता कीजिए। वचन ध्यान करने के समय में आपका सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। इधर हम लोग देख सकते हैं योहन्ना सुसमाचार 9 अध्याय में जो संदर्भ लिखा है, एक दिन यीशु मसीह जब जा रहा था, उसके साथ चेलों था, लोग भी था, और जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। एक आदमी को देखा है, वो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, और इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? ऐसा परिस्थिति में हम भी ऐसे पूछते हैं, चेलों पूछा है, प्रभु हे रबी, हम लोग देखा है ये आदमी जन्म से अंधा है, लेकिन जन्म से अंधा ये आदमी पैदा होने के लिए, जो जन्म से अंधा है, क्यों, कौन पाप किया? वो ने पाप किया, नहीं तो उसका माता पिता ने? हम लोग को भी बहुत बार एक प्रश्न आते हैं, हमारा हम लोग मुसीबत में, संकट परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में जब हम जाते हैं, अरे कौन पाप किया है? हमारा बच्चों ने, लड़का लड़की ने
सहसा परिस्थिति में गुजर रहा है, लेकिन कौन पाप किया है? वो लोग पूछे, चेलों ने पूछा, वो जन्म से अंधा क्यों है, कौन पाप किया है? लेकिन यीशु मसीह ने बोलता है, यीशु मसीह ने बोलता है, तब इस मनुष्य ने या उसके माता पिता, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना उसके माता पिता ने। प्रभु बोलता है वो आदमी पाप नहीं किया, लेकिन उसका माता पिता भी पाप नहीं किया। ठीक है, वो पाप नहीं किया है, उसका माता पिता भी पाप नहीं किया है, लेकिन ऐसा कठिन परिस्थिति क्यों आया उसका जीवन में? हमको भी आता है प्रश्न, जिसको आ गया, लेकिन साफ साफ प्रभु बोलता है वो अंधा आदमी बहुत इस पाप ने किया है, वो पाप के कारण वो अंधा नहीं हुआ है, कोई कारण है, लेकिन वो पाप नहीं किया, वो पाप का वजह से वो ऐसा नहीं हुआ है, और उसका माता पिता भी पाप नहीं किया। हम लोग सोचते हैं अरे उसका माता पिता को बहुत किया होगा, इसलिए उसका लड़का का जीवन में ऐसा परिस्थिति आ गया, लेकिन ऐसा नहीं। प्रभु बोलता है, प्रभु जो बोला है नेक्स्ट 3, 4, 5 वर्सेस है, उसी जो उसका उद्देश्य था प्रभु उसके ऊपर, जो आदमी के बारे में, मनुष्य के बारे में यीशु मसीह उसका उद्देश्य था, वो उद्देश्य को बोल रहे। अभी हम लोग भी सीखना पड़ता है, ये पाठ सीखना पड़ता है, हमारा जीवन में क्या हम लोग कैसा जीना है और प्रभु के लिए क्या फैसला लेना है, क्या फैसला लेने हैं। हम मेज के सामने बैठा है, हमारा जीवन परखे, हमारा जीवन जांचना है, किस लिए है, किस लिए हमारा परिस्थिति ऐसा हो गया। वो बोलता पहला विषय हम ध्यान में जो रखना है, ध्यान में रखना है ये तीसरा वचन 9:3 दूसरा भाग में बोलता है, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो अपने पाप किया था ना उसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। पहला पॉइंट क्या है, किसलिए उसका जीवन में ऐसा था, कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। क्या उद्देश्य था परमेश्वर का उद्देश्य उसका जीवन में, उसका जीवन में उद्देश्य क्या था, किस लिए, मतलब परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जहां उसमें लिखा है, उसमें लिखा है उधर, वो उधर उसमें के बदले मुझ में आप रख के पढ़िए। अब वो तब क्या बोलता है कि परमेश्वर के काम मुझ में प्रकट हो, मुझ में प्रकट हो। हम लोग सीखना है किसलिए प्रभु ने मुझको हमको बचाया है, किसलिए प्रभु ने स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस दुनिया में आके उद्धार का खास काम वो क्रूस के ऊपर अब समाप्त किया है, किसलिए उद्धार ने हमको फ्री से दिया है उचित रूप से, किसलिए उसका उद्देश्य ये है, जब हम लोग इस दुनिया में रहता है वो क्या कहे, परमेश्वर के काम हम में प्रकट हो, हम में प्रकट हो। आप जांच एक बार देख लीजिए, उद्धार तो पाया है, प्रभु से बहुत आशीष हम लोग पाया है, बहुत भलाई काम प्रभु ने हमको किया है, चरवाहे बनकर हमको संभाल रहा सब कुछ दे रहा है, लेकिन परमेश्वर का जो परमेश्वर के काम हम में प्रकट हो रहा है, आपका जीवन में प्रकट हो रहा है, प्रकट होना है, इसलिए प्रभु ने हम इस दुनिया में लाया है, इसलिए प्रभु ने उसका वो आदमी को अंधा रखा है, अंधा रखने के बाद जो अंधियारा से जो दुनिया को देख सकता है, तब क्या करना है,
यीशु मसीह का, परमेश्वर का काम उसका जीवन में प्रकट होना है, इसलिए प्रभु उसको दे दिया पड़ता है। कैसा प्रकट हुआ है, हम लोग प्रकट करना है, इसलिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन में हम लोग बार बार पढ़ते हैं वचन, प्रभु का उद्देश्य क्या है, इसलिए हमको बचाया है, इसको इसलिए हमको याजक बनाया, राज बनाया, इसलिए वो पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन में जो लिखा है 2:9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। किसलिए राजा बनाया, किसलिए आपको चुन लिया, किसलिए आपको पवित्र लोग बनाया, किसलिए उसका निज जन निज प्रजा बनाया, किसलिए वो अंधकार से किसलिए लाया है, ज्योति में किसलिए बुलाया, मतलब उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। इस संदर्भ में मैं शैड्रक मेशक अभेद्नेगो के बारे में बोलना चाहता हूँ। दानियल पुस्तक में 3 अध्याय में हम लोग वो जान पहचान संदर्भ है वो, लेकिन मेरे क्लुप्त दृष्टि से हम लोग पुस्तक दानियल चैप्टर, दानियल का पुस्तक 3 अध्याय में रहता है वो शैड्रक मेशक अभेद्नेगो, वो लोग प्रभु के लिए खड़ा हो गया विश्वास जीवन में, प्रभु का कार्य उसका जीवन में प्रकट हुआ है। कैसा प्रकट हुआ, एक नबुकदनेस्सर राजा ने दानियल पुस्तक 3 अध्याय में नबुकदनेस्सर राजा में एक प्रतिमा को रखा है, वो बोला है प्रतिमा को आप लोग नमस्कार करना है, आराधना करना है, सिर झुकना है, नहीं झुकने से वो आग में डाला जाता है। तब क्या किया है वो लोग ने, वो लोग सिर झुका नहीं है, वो लोग तब बाबलोन का राज्य में नबूकदनेज़र के अंदर वो काम करता था, नौकरी करता था, वो लोग बहुत अच्छा पोजीशन में था। हम लोग सोचने से वो दानियल का पुस्तक 2 अध्याय आखिरी वचन में तो वही लिखा है, क्या लिखा है, तब दानियल के विनती करने से राजा ने शैड्रक मेशक और अभेद्नेगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया। जब दानियल बोला है शैड्रक मेशक के लिए उधर नौकरी मिल गया, वो राज्य में काम करता था, जब उसका जो तनख्वाह मिलता था जो लोग के लिए नौकरी मिल गया, तब उसका बाबा राजा ने नबूकदनेस्सर ने प्रतिमा रखा है, जब उसको नमस्कार करने के लिए दंडवत करने के लिए बोलने से शैड्रक मेशक अभेद्नेगो नहीं किया, क्या किया, वो परमेश्वर का काम प्रकट किया। वो लोग बोया हम तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते, नहीं करने से बोला भाई वो आग है उसमें डाल सकता है। लेकिन वो लोग क्या बोलता है 3:17 में, हमारा परमेश्वर जिसका हम उपासना करते हैं वह हमको उस घगकते हुए भट्टे के आग से बचाने की शक्ति रखता है। प्रिय भाइयों, जब परमेश्वर के लिए जब खड़ा होता है, आपके सामने हमारे सामने भी ऐसा परिस्थिति भी कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन जब आ गया वो लोग प्रभु के लिए खड़ा हो गया, जो खड़ा हो गया प्रभु उसको छोड़ा नहीं, जो आग में डाला है राजा ने उसको, लेकिन क्या हुआ, जो आग से बचाया है
प्रभु ने, परमेश्वर ने, हाँ कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन वो बाद में जो उसका राजा बोलता है, राजा बोलता है वो दानियल का पुस्तक 3 अध्याय में वो बोलता है, ये उसका परमेश्वर, उसका परमेश्वर वही परमेश्वर है दुनिया में, उसी को दंडवत करना है बोल के वो 29-30 वचन में बोलता है, प्रभु का कामों के कारण प्रभु के लिए वो लोग खड़ा हो गया, और उधर प्रभु का नाम के लिए उधर हानर मिल गया, और उतना ही नहीं है जो शेड्रक मेशक अबेदनेगो लोगों के लिए उधर प्रमोशन भी मिल गया। इसलिए वो दानियल का पुस्तक 3 अध्याय लास्ट में, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शेड्रक मेशक अबेदनेगो का पद और ऊंचा किया है, और ऊंचा हो गया। वो आग से बचा लिया, कठिन परिस्थिति से बचा लिया, और उसका प्रमोशन भी मिल गया। इसलिए हम लोग प्रभु के लिए, प्रभु को काम, प्रभु का कार्य हमारा जीवन में वो प्रकट होना है, प्रकट होने के लिए प्रभु रखा है। जब आप प्रकट करने के लिए और प्रभु के लिए खड़ा रहने के लिए, खड़ा होने के लिए हम लोग फैसला करने से, शेड्रक मेशक अबेदनेगो तरह प्रभु ने हमको छुड़ाता है, जो भी परिस्थिति आते हैं हमारे साथ वो खड़ा होता है। जब आग में उसके साथ प्रभु ने चला और उसको बचाया है ऐसा परिस्थिति से, बाद में बचाया भी है, बाद में उसको जीवन में नौकरी में उपस्थित वो प्रमोशन भी मिल गया वही राज्य में, और वो राज्य भी वो राजा भी हमारा परमेश्वर को दंडवत किया है। यही है परमेश्वर, उसी को हम आराधना करना है, उसी को कोई दूसरा कोई आदर नहीं करने, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर देता हूं बोल के वही खुद बोलते हैं 3 अध्याय आखिरी वचन में। ऐसे हमारा जीवन में क्या करना है, हमारा फैसला लेना है, प्रभु मुझको उद्धार किया है, लहू बहाया मुझके लिए, मेरा जीवन में जब तक मैं जिंदा रहता हूं मेरा जीवन में आपका कार्य प्रकट होना, होने के लिए, प्रकट करने के लिए मुझको सहायता करो। पूछेंगे हम लोग, प्रभु हमको सहायता करता है। दूसरा विषय ये है 9:4 योहन्ना सुसमाचार 9:4 में, पहला ये क्या है, हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर के काम हमारा जीवन में प्रकट होना है। दूसरा विषय क्या है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। क्या करना है, प्रभु का काम करना है, जिसके मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन मैं करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है, पूरा डे टाइम ऐसी नहीं रहता है, वो रात होने वाला है, मतलब ये अंत होने वाला है दुनिया के लिए, नहीं तो हमारे जीवन के लिए अंत होने वाला है। पूरा हम लोग इधर ही नहीं रहता है, 2 साल 3 साल नहीं रहता है, हम लोग एक बार जाने वाला है, लेकिन जब दिन रहता है, जब हम लोग जिंदा रहता है, हम लोग क्या करना है, उसका काम करना है, उसका काम करना है। पहला कोरिन्थी 9:16, 1 Corinthians 9:16, पहला कोरिन्थी 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड ही बात नहीं, क्योंकि वह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर
क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलता है, मिलती है। पौलुस ने बोलता है, क्या बोलता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे लिए अवश्य है। क्या अवश्य है? सुसमाचार सुनाना मुझ पर रखा है, उस पर रखा है, और मेरे लिए अवश्य है। जो सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर है, मुझ पर है, मतलब मुझको प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलता है। जो सुसमाचार का काम करे, प्रभु बोलता है, प्रभु पौलुस ने बोलता है, उसको मजदूरी मिलता है, मजदूरी मिलता है वो दिन के लिए। तब हम लोग मजदूरी लेने के लिए, इनाम लेने के लिए स्वर्गीय स्थानों में प्रभु के हाथों से इस दुनिया में हम लोग क्या करना है, उसका काम करना है। क्या काम करना है? सुसमाचार सुनाना है। रोमियो का पत्री 10 अध्याय, रोमियो का पत्री 10 अध्याय 14 और 15, 10 रोमियो का पत्री 10 अध्याय 14 और 15। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पाव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अरे बोलने वालों नहीं रहने से कैसा सुनता है वो लोग, जो नहीं सुनता है कैसा विश्वास करता है, जो प्रचारक नहीं होने से कैसा वो लोग सुनेगा। इसलिए हम लोग सुनाना है, और सुनाने से हमारा इधर लिखा है, उन्हें पाओ क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आपका पाओ, हमारा पाओ, ऐसी सुहावने, ऐसी सुंदरता, ऐसी महिमा, आदर लेना है, तब तो क्या करना है, हम तो सुना सुसमाचार सुनाना है। तीसरा क्या है? योहन्ना सुसमाचार, तीसरा विषय, फर्स्ट, पहला विषय हमारा परमेश्वर के काम हमसे प्रकट होना है। दूसरा ये क्या है? हम प्रभु के काम करना है। तीसरा विषय क्या है? पांचवा पद में, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। इसमें इसने बोला, तब आप भी मन से पढ़ लिए वचन, प्रभु बोला है ऐसा नहीं है, आप पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है? जब तक मैं जगत में हूं, जब तक मैं जगत में जगता हूं कैसा रहना है, तब तक जगत की ज्योति हो, जगत की ज्योति हो। जगत में क्या है? अंधेरा है। ये अंधेरा कब से आ गया? उत्पत्ति पुस्तक में 1 अध्याय 2 वचन में आ गया अंधेरा, देख लीजिए, उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन में। ओके, पहला पद, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। पृथ्वी के बेढोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा कहाँ आ गया? तब से भी आ गया, उधर से भी, आज भी अंधियारा है पूरा दुनिया में। उत्पत्ति पुस्तक में 2 वचन में दो अंधियारा आरंभ हुआ है, अभी पूरा दुनिया में फैला हुआ है। जो अंधियारा से दूर करने के लिए, जो अंधियारा मतलब पाप में रहने से, वो लोग कहाँ जा रहे? नरक में जा रहे। तो नरक में जाने से हम लोग भी उसका लेखा बोलना पड़ता है,
इसलिए जब मैं जगत में रहता हूँ तब तक मैं दुनिया का जगत की ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ। इसलिए प्रभु ने हमको बोला है यूहन्ना सुसमाचार 8:12 में, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु बोला है मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन मत्ती सुसमाचार 5:14 में हम लोग पढ़ने से प्रभु ने मत्ती सुसमाचार 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो। उधर बोलता है मैं जगत की ज्योति हूँ यूहन्ना सुसमाचार 8:12 में, लेकिन मत्ती 5:14 में बोलता है तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हो। आप जगत की ज्योति है क्या? मैं जगत की ज्योति हूं, जगत की ज्योति हूं। सब बहुत लोग अंधेरे में जा रहे, पाप में जा रहे, हम है क्या जगत के ज्योति बन के रहने के लिए? प्रभु ने इस दुनिया में हमको जीवित रखा है, जीवित रखा है प्रियो। यस, हम लोग अंधेरे में जाने से कैसे दूसरों को हम अंधेरे से बाहर ला सकता है, अंधकार से? याद रखिए, हम जगत के ज्योति बन के रहने के लिए हमको प्रभु ने जीवन दिया है, लहू बहाया क्रूस पर। जो अंधियारा में अंधकार में जो जग रही दुनिया, उन लोगों के लिए पूरा ज्योति दिखाने के लिए हमको इस दुनिया में रखा है। वही प्रभु बोलता है, वही हम लोग अभी पढ़ा है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 5:35 में जो बापतिस्मित यूहन्ना, जो बापतिस्म देने वाला यूहन्ना के बारे में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 5:35 में, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। वो कैसा था? 5:35 में यूहन्ना का, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। कौन था ये? यूहन्ना, बापतिस्म देने वाला यूहन्ना था। लेकिन हमारे बारे में वो बोल सकता है क्या, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक? हम लोग जलना है, मतलब हमारा जीवन अर्पण करना है, त्याग देना है, ज्योति दिलाना है, हम दीपक बन के रहना है दूसरों को, बहुत लोगों को अंधियारा से ज्योति में लाना है। जब तक मैं इस दुनिया में रहता हूँ तब तक मैं जीवन का ज्योति बन के रहता हूँ। बोल के आप फैसला कर सकता है कोई समय में? इसलिए वो बापतिस्म यूहन्ना ने बोलता था, मत्ती सुसमाचार 3:2, मत्ती 3:2, मत्ती 3:2, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। वो बापतिस्म देने वाले यूहन्ना क्या बोलता था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यही सुसमाचार हम पूरा दुनिया के लिए ले जाना है प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला है, इस हम लोगों के लिए हमको प्रभु ने बचाया है, हमको बचाने के लिए स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस दुनिया में आया है, क्रूस पर लहू बहाया, उसको शरीर हमारे लिए अर्पण किया है, सिर झुककर वो क्रूस पर प्रभु ने अर्पण किया है हमारे लिए। अब वो प्रभु चाहता है हमारा जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हो। दूसरा ये क्या है? हम उसका काम करना अवश्य है। तीसरा क्या है? जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु सहायता करे हम जांच के परखे हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन से परमेश्वर का काम प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। एक बार देख लीजिए, जब हम प्रकट करने से प्रभु हमको ऐसा अकेला नहीं छोड़ता है जैसा शैड्रक मेशक अभ्यर्थियों को इतना क्लिष्ट परिस्थिति में किया है, गुजर गया है। तब जब प्रभु के लिए वो खड़ा हो गया, उसका जीवन से प्रभु को कामों को लोग प्रकट किया, क्या किया? उसको सहायता किया, परिस्थिति से उसको छुड़ाया, मदद किया, और उसका जीवन में नौकरी में
वो लोग उन्नति पाया, प्रमोशन मिल गया उसको। दूसरा ये क्या है, हम लोग जब दिन रहता है, लोग हम लोग जीवन में रहता है, जब खाने के पहले क्या करना है, हम लोग प्रभु का काम करना है, जो प्रभु बोलता है सुसमाचार सुनाना मेरा पर रखा है। तीसरा बाद में उसको सुसमाचार सुनाने से उसको इनाम मिलता है। तीसरा ये क्या है, जब तक मैं इस दुनिया में रहता तब तक मैं ज्योति बने रहने के लिए प्रभु मुझको सहायता करो, प्रभु चांद से भर के हम लोग रहने नहीं रहने से प्रभु आने वाला है, प्रभु के लिए आगमन के लिए हम लोग तैयार रहने के लिए, ये तीन विषय हम लोग कैसा है। प्रभु जो चाहता है उसी परिस्थिति में हम आने के लिए, हमारा जीवन में उसका काम प्रकट होने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए जगत में, जब तक हम लोग जिंदा रहता है इस दुनिया में, दुनिया के लिए ज्योति बन के रहने के लिए प्रभु हमको सहायता करे, प्रभु ये वचन को आशीष करे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रेमी पिता वर परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन लाया है सुझे हो न समाचार नव अध्याय से, जब वो आदमी अंधा आदमी रास्ता में जब आ गया तो सामने आ गया, चलो ने जब पूछा प्रभु क्यों आया आदमी अंधा बन के जन्मा, तो प्रभु ने जो उत्तर दिया है, यस प्रभु हमारा जीवन में आपका संकल्प बहुत बड़ा है, हमारा जीवन में कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, उसका माता पिता भी पाप नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का काम उसका जीवन में प्रकट होने के लिए, हाँ प्रभु हमको बोलने के लिए, जब दिन रहता है आपका काम करने के लिए, और हम लोग इस दुनिया में रहता है जब तब तक हम लोग दुनिया के लिए दो अंधकार में, दो अंधियारा में जगत जा रहा है, पूरा अंधकार फैला हुआ इस दुनिया में, इस जगत के लिए हम ज्योति बन के रहने के लिए प्रभु हमको सहायता कीजिए। प्रभु आपका सामने आते हैं प्रभु, मैं इसके लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं, जो प्रभु शरीर के लिए, जो दोही के लिए हमारे लिए प्रभु दे दिया आप, इसलिए उसके लिए स्तुति धन्यवाद करते हैं। लहू के लिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं, जो हमको उधार दिया है, जो क्रूस पर आप बलिदान हुआ इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका उपस्थिति में आते हैं, हमको क्षमा कीजिए, आपको जो चाहता है हमारा जीवन में कोई स्टैंडर्ड में हम आने के लिए हमको सहायता मांगते हुए, हम क्षमा करके योग्यता रीति से ये मेज में भाग लेने के लिए सहायता मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारा धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। पहला कुरिन्थियो 11 अध्याय 23 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने पियारे के पीछे कटोरा भी लिए और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीवो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जो प्रभु के
हमने हम लोग बैठ गया है प्रार्थना पूर्वक से प्रार्थना करके अब मेज में भाग ले सकता है। अभी अब मेज में भाग लेने का समय है, मेज में भाग ले सकते। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। व्यक्तिगत रूप से प्रभु को आराधना करने के लिए, प्रभु मेज संदेश सुनने के लिए और प्रभु मेज में भाग लेने के लिए हमको सहायता किया है, इसलिए स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो योग्यता रीति से भाग लिया है प्रभु, उसको आशीष कीजिए और आपके मार्गों में चलने के लिए आपके लिए गवाही बनके इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए स्वास्थ्य जीवन में प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु जो भाग नहीं ले सका उसके ऊपर आपका दया दिखा दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। आने वाला दिनों में प्रभु योग्यता दृष्टि से मेज में भाग लेके स्वर्गीय आशीष पाने के लिए उसको भी सहायता हम मांगते हैं प्रभु। और प्रभु जो बचे हुए रोटी के लिए द्राक्ष रस के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए नहीं है, पूरा जगत में जो
सार्वत्रिक मंडली है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ऐसी परिस्थिति में, बहुत क्लिष्ट परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में गुजर रहा है प्रभु, हमको याद कीजिए प्रभु। इसलिए आप आने वाला है, आने वाला समय में जो हम लोग इस दुनिया में जिंदा है प्रभु, हमारा जीवन से आपका काम प्रकट होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जब तक हम दुनिया में हैं प्रभु, आपका जब तक दिन रहता है, दिन में आपका काम करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए आपका सहायता मांगते हैं प्रभु। और प्रभु जब तक हम दुनिया में रहते हैं, तब तक हम दुनिया के जगत के ज्योति बन के इस दुनिया में रहने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जो सेवा चल रहा है प्रभु, सेवा के लिए हम आपको उपस्थिति में आते हैं, पूरा दुनिया में भी वचन फैलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। बहुत लोग आपको अंगीकार करके उद्धार का अनुभव में आने के लिए प्रभु सुसमाचार फैलाने के लिए, समाचार करने के लिए भी हमको सहायता कीजिए प्रभु। हम लोग एक बार प्रभु बेतरहम सवर्षिप आराधना करने के लिए, सब परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेनली प्रभु बहुत हिंदी भाई लोगों के लिए स्पेशली हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग हम लोगों के लिए जानते हैं प्रभु, उसका हर एक घटी को पूरा कीजिए, विश्वास जीवन में स्थिर होकर आगे बढ़ने के लिए स्कूलों के सहायता कीजिए प्रभु। स्पेशली हमारे नौजवान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु सहायता कीजिए उसको एजुकेशन में, पढ़ाई में, नौकरी में, शादी के लिए भी प्रभु हम आपको मदद मांगते हैं प्रभु। सहायता कीजिए, अनुग्रह दिखा दीजिए प्रभु। और बेतलहम आराधना मंदिर से प्रभु जो मिनिस्ट्री चल रहा है, हर एक मिनिस्ट्री पर आप आशीष कीजिए प्रभु। भाई बहनों के बीच में और बच्चों के बीच में कॉटेज मीटिंग के लिए, प्रार्थना के लिए, बाइबल स्टडी के लिए, वर्शिप मीटिंग से हर एक के लिए प्रभु हम सहायता मांगते हैं प्रभु। और जो सुसमाचार के लिए प्रभु, जो अगल बगल, जो बांगलोर और प्रभु पूरा दुनिया भर भी इधर से सुसमाचार फैलने के लिए, लड़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हम लोग प्रार्थना करते हैं जो रेस्पॉन्स ब्रदर्स है, गॉड्स फैमिलीज है, हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और एक बार हमारा देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी के समय में प्रभु जो काम करता है स्पेशली मेडिकल फील्ड्स में, लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत लोग गुजर रहा है प्रभु, लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ऐसे परिवारों को प्रभु आप टच कीजिए, उसको सहायता कीजिए, चंगाई दे दीजिए प्रभु। और प्रभु और एक बार हम आपको उपस्थिति में आते हैं, सहायता कीजिए। अभी तक संभाला है एक कष्ट क्लिष्ट परिस्थिति में, हमारा चरवाहा बनकर प्रभु आपको उपस्थिति के से हमारे पास रखे, हमको बचाइए प्रभु। और आपको मार्ग में चलने के लिए हमको सहायता कीजिए। सब परिवारों को, सब मेंबर्स के लिए आपका उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए अभी तक हमको संभाला है, बाकी समय भी आपको हाथों में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रियो, अभी हम गाना गाएंगे। गाना गाने के टाइम में प्रभु के लिए हमारा अर्पण लाएंगे, हम ऑफरिंग चढ़ाते हैं। जब अभी
ऑफरिंग सबका घर में रख के, ये तो अभी ऑनलाइन पेमेंट का भी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं प्रोविजन है, उसको भी यूज कर सकता है, नहीं तो रखे घर में रख के बाद में जब मंडली खोलता है, चर्च खोलता है, तब आप लाके उधर जमा कर सकता है। अभी एक गाना गाएंगे हम। ऊंचे स्थानों में प्रभु सवार भी कराया मुझे, क्या ही सुंदर है वो उधार की चोटिया, रहेगा आनंद का, रहेगा आनंद का, दया करके अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अभी तो प्रभु तक सहायता किया है, जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आने तक वो ऑनलाइन में रहता है आराधना कार्यक्रम, कभी कोई चेंज रहने से आप लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं, तब तक ये ऑनलाइन में रहता है। वो मंगल का दिन शाम को 6:30 बजे में मंडली का प्रार्थना रहता है जूम में, और बाल बच्चों के चिल्ड्रंस और टीन मिनिस्ट्रीज सब कुछ के लिए जो नोटिस में से भेजा जाता है, वो नोटिस के मुताबिक हम लोग आप लोग उसको देख के
आप उसका सेवा में आप लोग भाग ले सकता है। और सब सेवा के लिए प्रार्थना कीजिए, और हम लोग बहुत क्लिष्ट परिस्थिति में जा रहे, आप लोग जागरूक रहिए रखिए, और जब तक हम आराधना इस मंदिर से, जब चर्च से हम बोलते हैं, तब तक आप लोग जूम में फॉलो ऑन कर दीजिए। प्रार्थना करें, हम लोग लास्ट प्रार्थना बेनेडिक्शन से हम ये मीटिंग को क्लोज करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सभी धन्यवाद करते हैं प्रभु सनातन प्रेम के लिए, हम सभी धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारा ढाल बन गया अन्य के लिए, प्रभु स्वर्गीय स्थान छोड़ के इस दुनिया में आया है, ढाल के नीचे हमको रख के सब कुछ आपको ऊपर लेके हमको बचाकर इस दुनिया में प्रभु हमका उद्धार का अनुभव दिया है, पापों का क्षमा दिया है। ओ प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं, और प्रभु आपको महिमा के लिए जो हमको उठाया, जो स्वर्गीय स्थान में बैठाने के लिए प्रभु जो आपका संकल्प है, इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही नहीं प्रभु, इस दुनिया में हम लोग हमारा सिर उठ के आगे बढ़ने के लिए आप प्रभु पर स्वर्गीय स्थान से इस दुनिया में आकर पुरुष पर अब सिर झुक कर अपन प्राण अर्पण दे दिया, ताकि हम लोग सिर उठ के इस दुनिया में और स्वर्गीय स्थानों में आपके सामने हम खड़ा हो सके। प्रभु सहायता कीजिए, और मेन मैसेज में भी हमको याद दिलाया है प्रभु, हमारा जीवन से आपका काम प्रकट होना है। जब लोग हम जिंदा रहता है तब तक आपको काम करना है, तब तक हम जब तक हम इस दुनिया में रहता है तब तक हम जगत की ज्योति बन के इस दुनिया में जीना बोल के, और तब आपका उपस्थिति में आपका आगमन के समय में हम इनाम पाने के लिए प्रभु हमको तैयार कीजिए। हम सब परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा सब भाई बहनों के लिए प्रभु, कोई किस परिस्थिति में है उसको याद कीजिए प्रभु। बहुत लोग कोरोना से प्रभु पीड़ित है, लोगों के प्रभु आपको हाथ बढ़ाइए, तो उसे साफ कीजिए, आशीष दे दीजिए, उसको चंगा दे दीजिए प्रभु। चंगा हो के आपको उपस्थिति में प्रभु स्तुति आराधना करने के लिए सहायता कीजिए, और हमारे जीवन में भी सुसमाचार सुनाने के लिए जो मौका दिया है उसको हम यूज करने के लिए आपको साक्षी गवाही बन के इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। और एक बार आप आने वाला है प्रभु, आगमन के लिए हमको तैयार कीजिए। हरेक स्वास्थ्य को, हरेक परिवार को, पूरा मंडली को आपका सिंहासन के सामने रखते हुए पितर दो सहायता की स्तुति धन्यवाद करते हुए आपका इच्छा करने से आने वाला दिनों में आपको प्रस्तुत में रहने के लिए सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु उद्धार करता इस मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति, प्रिय पुत्र यीशु मसीह उद्धारकर्ता का अनुग्रह हमसे, हमारा हमसे, हमारा परिवारों से, सब मंडलियों से, सार्वत्रिक मंडली से, अभी से युगान युग तक, युगान युग तक हमारा
संगति में रखे। आमीन। जय मसीह सब लोगों के लिए।